जय हिंद, सीआरपीएफ, एचसीएम और स्टेनो की जो परीक्षा होगी उसको पास करने के बाद में आपका जो पीएचटी और टाइपिंग का इवेंट होगा वो कौन कौन से सेंटर पे होगा, आपके घर के नजदीक होगा या परीक्षा केंद्र के नजदीक होगा, और आपका मुख्य इवेंट क्या होगा, इन सब पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद में एग्जाम देने के बाद जब आप वापसी करेंगे, एग्जिट से निकलते हैं, तो आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, बाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा और आपका फोटो लिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक कराना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षा होती है तो कुछ लोग होते हैं सरासर निकलना शुरू कर देते हैं, आपको वहां पे बताया भी जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो टाइपिंग और पीएचटी सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। आप जो है प्रयागराज के रहने वाले हैं, और मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कानपुर दे दिया है, तो सबसे पहले वो उसे प्रियोरिटी देगा कि आपका देखेगा आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, और आपके परमानेंट एड्रेस के नजदीक में कौन से सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है, सबसे प्रियोरिटी वहां पे देगा। यदि वहां पे पीएचडी और कंप्यूटर टाइपिंग का है, पूरा लेवल फुल हो चुका है, तो आपका कहाँ पे देगा, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके नियरेस्ट, जैसे कानपुर में है तो कानपुर के नियरेस्ट जो ग्रुप सेंटर है वो लखनऊ में पड़ता है, तो आपको वहां पे लखनऊ में दे देगा। इसी प्रकार से जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका भिन्न भिन्न शहरों में परीक्षा दी गई है, जहां पे सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर्स नहीं है, जैसे गाजीपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, तो आपको उसके नजदीक, अब गाजीपुर वाले का तो प्रयागराज में ही देगा, और जो सुल्तानपुर है या प्रतापगढ़ है उसका जो है अमेठी में देगा। परीक्षा पास होने के बाद आपका मुख्य इवेंट क्या है, पीएचटी है या टाइपिंग है, आपको बता देता हूं। पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन तो नॉर्मल निकल जाएगा, लेकिन जो टाइपिंग होती है, टाइपिंग बहुत टफ होती है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोला हूं कि आप लोग अपनी परीक्षा के साथ साथ में अपने टाइपिंग को भी जारी रखिए, इससे आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या या दुविधा नहीं होगी। तो आप लोग टाइपिंग भी अभी से करते रहे, अपनी परीक्षा को भी करते रहे, अन्यथा परीक्षा तो पास कर सकते हैं लेकिन टाइपिंग ये आपका सेल्फ स्किल होता है, किसी के माध्यम से आपका स्किल नहीं बनता है, आपको स्वयं से मेहनत करनी पड़ती है और स्वयं आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है। आपका जो सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा मुद्दा है, वो टाइपिंग का है। जैसा कि टाइपिंग में बताया हूं कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और बहुत दिन से प्रैक्टिस करते रहते हैं, कई सालों से प्रैक्टिस करते रहते हैं तब भी वो फेल हो जाते हैं। जैसा मैं तरीका बताया हूं कि आप लोग 2-3 घंटा टाइप करिए, 2-3 घंटा टाइप करने का कहने का मतलब ये है कि लगातार नहीं करनी है, 1 घंटा तक तो आपको लगातार करनी करनी है, आपको अपने हाथों का एंडोरेंस बनाने के लिए। जैसे दौड़ में जो लंबी दूरी के धावक होते हैं या छोटी दूरी के भी धावक होते हैं, तो वो पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा समय तक दौड़ते हैं, क्या है वो एंडोरेंस है, वो अपनी जो क्षमता है, जो अपनी ताकत है, उसको समझने और पहचानने के लिए कि इन फ्यूचर में हमको अगर इतना भागना पड़े, इतनी तेज भागे हैं हम और इतनी देर तक हम टाइपिंग किए हैं, तो हम इतना देर तक टाइपिंग कर लेंगे और इतना फास्ट कर सकते हैं, इतना फास्ट और उतनी दूरी, तो हम इतने फास्ट में अपना एडजस्ट कर लेंगे। इसीलिए तो 2 मिनट का लगाइए, 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, 1 घंटे का लगाइए, इस प्रकार से जैसे मैं आप लोग को सजेस्ट किया हूं पुरानी वीडियो में, उसी तरीके से आप करिए। अभी जो आप परीक्षा देने जाएंगे 22 फरवरी से लेके 11 मार्च तक का, तो आपको परीक्षा में ज्यादा ध्यान देना है, क्या कि कुछ लोग होते हैं कि पेपर्स को छोड़ देते हैं और नेगेटिव मार्किंग देख करके सोचते हैं नहीं यार गलत हो जाएगा, छोड़ देते हैं। तो आप जितने आपको आ रहे हैं उसको तो पूरा पूरा कर दीजिए, और अगर 10-20 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको भी आप कर दीजिए, 10-20 क्वेश्चन मतलब 5 ही मार्क्स जाएगा, अगर आपका 80 ठीक हो रहा है 5 मार्क्स जाएगा, तो आप जो है उसमें से जो 20 में से अगर आप ऐसे लगा देंगे, वर्बल तौर पे ही लगा देंगे, तब भी आपका 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ठीक ही हो जाएगा, तो इतना ठीक होना मतलब बहुत अच्छी बात है। तो परीक्षा केंद्र पे जब आप जाएंगे, सबसे पहले आपको हिंदी करना है, रीजनिंग करना है और जनरल एप्टीट्यूड करना है, उसके बाद में मैथमेटिक्स लास्ट में करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप अपना समय गंवा देते हैं तो परीक्षा का जो परिणाम है वो डाउन हो सकता है आपका। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, शुरू से लेकर अंत तक।